बस्मरिम हम इधर बैठे हुए हैं मेगा सक्सेस के मेन स्टूडियो मेन मेंटर हाउस में और हम हमारे पास हमारे आ, ओनर्स हैं दोनों जो इस पूरे शो को चला रहे हैं इन्होंने पूरे मुल्क में आग लगा दी है टू बी ऑनेस्ट लाइक एवरीबडी इज़ गोइंग ऑन दैट वीडियो और वो वो इतनी वो कितना मज़े मज़े की वीडियोज़ आई जा रही हैं एवरी अपॉर्चुनिटी आउट देयर इज़ एक्चुअली अनटैप्ड right here on this forum so um, uh, luckily we have these both owners here and we are so curious and so excited so let's go to um, uh, mr um, azeen and uh, i want to know first of all कि मिस्टर अजीन ने um, अगर आपको नहीं पता वैसे तो सबको इनका पता है um, कि इन्होंने 200 सौ कंपनीज इनके ये ओन करते हैं माशाल्लाह ही इज़ अ ग्रूप इज़ द ओनर ऑफ जोल्टा ग्रुप एंड माशाल्लाह ही इज़ वन ऑफ द इंस्पिरेशंस वो जो होते हैं ना वो लोग जो ही डजन बोस्ट अबाउट इट बट ही इज़ वन ऑफ़ दोज गाइज़ यू नो एवरीबडी वांट्स टू रीड अबाउट एंड गूगल अबाउट सो ही इज़ वन ऑफ दोज गाइज सो वी आर लकी इनफ टू बी नेक्स्ट टू हिम एंड टू एग्जैक्टली नो वाट इज़ द होल आइडिया ऑफ हिज़ मेंटल फ्रेमवर्क विच इज़ वर्किंग कि क्या करना चाह रहे हैं मेगा सक्सेस एक नया वेंचर है इनका जो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं सो मिस्टर अजीम आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि एग्जैक्टली um, exactly, um, आप uh, uh, क्या मेगा सक्सेस क्या है और वट इज़ एग्जैक्टली यू ट्राइंग टू डू केयर बसमानरिम एक्चुअली ये है कि पाकिस्तान में जो यंग जनरेशन देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है और uh, पाकिस्तान में जो बाहर से बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जैसे अगर अमेरिका के अंदर देखा जाए गूगल अमेज़ोन ये वो ये सारे लोग जो है पाकिस्तान में नहीं आए तो पाकिस्तान में जो गैप है वो सबसे बड़ा ये है कि जहाँ पे जो कमर्शलाइजेशन है आईटी में ऑनलाइन में ई कॉमर्स के अंदर और इस तरह की जो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इनके अंदर जो गैप है वो बहुत बड़ा पाकिस्तान के हालात वाकयात जो पीछे कुछ अरसे में रहे उसकी वजह से भी ये गैप क्रिएट हो गया तो हम लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में बहुत पहले जब हम चाइना में भी वर्किंग कर रहे थे तो पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो चाइना के साथ भी कंपेयर करें तो चाइना ने एज़ कम्पेयर टू गूगल जो है गूगल अपना खड़ा किया और व्हाट्सएप अपना किया फ़ेसबैक फेसबुक की तरह का अपनी चीज़ें बनाई हैं और सिमिलर सिमिलरली अगर आप देखें तो जो एमेज़ोन है उसके अल्टरनेट में अली बाबा को उन्होंने वो इस्टेबलिश किया है ये सारी चीज़ें पाकिस्तान में नहीं हुई और इनको होने के लिए करने के लिए आपको अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बड़ी सिंपल हैं लेकिन आपको वो लोग चाहिए जो रियल में ऐसी चीज़ों को सक्सेसफुली कर सकें लेट से कि आपको सी चाहिए ऐसी कॉरपोरेट्स को खड़ी करने के लिए आपको टीम उन सी के साथ वो चाहिए जो वो सक्सेसफुली कर सके तो हम चाह ये रहे थे कि बड़ी देर से इस पर काम कर रहे थे लेकिन फाइनली जो है हमने लॉन्च कर दिया कि मेगा सक्सेस पाकिस्तान का प्लेटफार्म जो है वो बिल्ड करेगा यानी कि सीईओ को मेक करेगा आ, बिल्ड करेगा उनको उस पोजीशन में जहाँ पे वो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स को रन कर सकें तो एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म उसके लिए बिल्ड किया गया है बेसिकली वही अगर आपने कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है टू व्हाट हिज आइडियाज़ आर आप अपने माँ बाप के पैसे आप इतने ज़्यादा खुद अपनी इन्वेस्टमेंट आप 10-20 लाख रुपया लगा देते हो आप अपने रिसोर्स से और फिर जाके आप समझते हो कि okay, अच्छा बिजनेस ऐसे करना है एक्चुअली एम सिर्फ आपको वन परसेंट वो गाइडेंस दे रही है जो इंडस्ट्री को चाहिए यह एक्चुअली लाइव ओनर्स हैं जो uh, सारा कुछ आपको विद इन थ्री मंथ्स आपको सारी की सारी सीक्रेट्स और आपको ना कि सिर्फ आपको टीच करेंगे या आपको बना के देंगे सो दिस इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल वर्क द होल वर्ल्ड इज एक्चुअली गोइंग आफ्टर दैट इफ़ यू थिंक अबाउट इट सो लेट्स व्हाट इज मेगा जो पाकिस्तान के देखें जो इस वक्त हालत है सिक्सटी फाइव परसेंट जो हमारी आबादी है वो यूथ है यूथ को किसी टाइम पे पंद्रह बीस साल पहले चले जाएं तो सब पाकिस्तान में एक ड्राइव शुरू हो गई थी कि डिग्रियां हासिल करो पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब इसके पीछे तो हमने लगा दिया वो सारी कॉम इसके पीछे लग गई अब उन्होंने अपने वालदे का दस से पंद्रह बीस लाख लगवा के डिग्रियाँ भी ले ली ले ले, लेकिन जॉब नहीं है और आज भी पाकिस्तान का हैरत की बात है कि पाकिस्तान का मसला है रोटी कपड़ा और मकान जो कि नहीं होना चाहिए यूके में रह के वहाँ जब हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में बात चलती है तो इंडिया हमसे कितना आगे चला गया चाइना तो बहुत अर्सा पहले कि इवन बांग्लादेश जो उसकी हालत है वो उसका अगर आप जीडीपी रेट देखें तो एट पे पहुंच गया पाकिस्तान के मुकाबले में सो दिस इज़ समथिंग व्हिच आई ऑलवेज़ वांटेड टू वर्क टुवर्ड्स कि पाकिस्तान को किसी तरह हम किस तरह ऊपर उठा सकते हैं तो जिस तरह अजीम साहब से हमारी फिर बातचीत चली तो ये सारा हमने एक प्रोजेक्ट फॉर्म किया इसका मकसद क्या है कि पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट हों अब लोग इसको समझते नहीं समझते क्या नहीं कि हर किसी को अगर आप नौजवान से पूछें तो नौकरी नहीं है जी हमें हुकूमत नौकरी नहीं दे रही हुकूमत नौकरियाँ पैदा नहीं कर रही या किसी की साजिश है या इस तरह की बातें करते हैं लेकिन फैक्ट क्या है यार बिज़नेस ही नहीं है बिजनस होंगे तो नौकरियाँ पैदा होंगी ना तो हमने ये डिसाइड किया हमारा अल्टीमेट टारगेट ये है कि गवर्नमेंट का जो मोटो था कि एक करोड़ नौकरियाँ उसकी तरफ भी हम काम कर रहे हैं और उस मकसद को हासिल करने के साथ हम बिल्कुल गवर्नमेंट की हेल्प आउट करेंगे लेकिन पहले हम फोकस कर रहे हैं मेगा सी पर कि पहले वो लोग पैदा किए जाएँ पाकिस्तान में उनको ट्रेन किया जाए जो बड़े बड़े बिजनेस शुरू करें और बिजनेस कौन से जिस तरह गूगल जिस तरह अजीम साहब अभी कह रहे थे गूगल टाइप और फिर यूट्यूब और फेसबुक इस लेवल की आई टी कंपनीज इसके अलावा बेशुमार बेशुमारचुनिटीज़ हैं तो हम हमने टारगेट बनाया कि दो मिलियन लोग पाकिस्तान के उनको हमने आंट्रप्रनोरशिप सिखानी है क्यों सिखानी है क्योंकि वो अपने बिजनेस स्टार्ट करेंगे लेकिन सिर्फ हमने यही नहीं रुक जाना कि ऑनलाइन एक कोई ट्रेनिंग दे दी बल्कि उनका हाथ पकड़ के उनको कामयाब होने में मदद करनी उससे क्या होगा ये बिजनेसेस जब बड़े बिजनेसेस बनेंगे तो उससे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी फिर वो जो एक करोड़ नौकरी है या जो भी हम बात करते हैं कि यहाँ आ, काम का मसला है यहाँ जॉब्स नहीं है तो वो सारी जो मसले हैं वो सारे बिल्कुल ओवरकम कर लेंगे उन पर लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि हमने यहीं नहीं रुकना इन मेगा सक्सेस के प्लेटफॉर्म से और बाकी सारे जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में उनके साथ मिल के हमने पाकिस्तान को ऊपर उठाना और इसे एक सुपर पावर बनाएँगे इनशा अजीम साहब आम... आपका प्रोफाइल थोड़ा सा अगर हमें पता चले कि व्हाट एग्जैक्टली वाज योर बैकग्राउंड थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन आप जनरल यूथ सुन रहा है और रोल मॉडल बैठे हुए हैं हमारे पास एक बिज़नेस आंटरप्रोनर एक इन्वेस्टर एक आ, रोल मॉडल फॉर द पाकिस्तानी इंडस्ट्री थोड़ा सा प्लीज़ अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे दें ताकि हमें आसानी हो समझे बेसिकली uh, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है बड़ा मुखसर सा बताऊँ तो बात यह है कि जॉब जापान में मैं कर रहा था तो जो पहले भी मैं बड़ी डिटेल से अपने यूथ को ये बात बताता रहता हूँ कि देखें आ, हम लोग भी जब जॉब करते थे बड़ा प्रेशर था फैमिली का अर्निंग का तो बड़ी सिंपल सी बात है अगर आप रोटी कमाना चाहते हैं अगर आप किचन चलाना चाहते हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी वीडियो देखने की ऐसी प्लानिंग की ऐसे प्रोग्राम्स की या इस तरह मैगा को ज्वाइन करने की अगर आप दौलत कमाना चाहते हैं बिज़नेस करना चाहते हैं और बिज़नेस आइडियालॉजी जो है उसके साथ बिज़नेस पैटर्न्स को सीखना चाहते हैं तो ये वो चीज़ है जो फिर आप ऑफेंसिव हो के आप किसी बड़े लेवल पे चले जाते हैं आप कॉमों को ड्राइव करने लग जाते हैं आप लोगों को जॉब देने लग जाते हैं तो सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मैं ख़ुद भी जब जॉब कर रहा था बहुत प्रेशर था और जब फिर आसास्ता प्लान किया तो ऐसे लगता था कि शायद और अगर आज कोई पूछे तो आज ये है कि आज वही टर्निंग पॉइंट था उसके बाद शायद इतनी एफर्ट करनी नहीं पड़ी जितनी वो एफर्ट थी कि उसको छोड़ते हुए जो आ, आ, ख्यालात और जो जो बस है और प्रॉब्लम और जो मिसपरसेप्शन लोग डालते थे कि जी ऐसे हो जाएगा और फ्लाह हो जाएगा वही इशू था और वही मैटर था उससे पता चला कि एक्चुअली जो बिजनेस को आप अगर लर्न करके करते हैं तो फिर हमने बड़ी लर्निंग की हमने खुद जो है बड़े 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 स्टेप किए तो उससे यह है कि अराउंड अंडर थर्टी जो है काफ़ी अच्छा काम मैंने किया आ, मिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री को खड़ा किया पेनक्रॉन जो है बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट थी इनोवेटिव थी पूरी दुनिया में यूनिक थी इसको हमने पेटेंट लेवल पर पे काम इसके ऊपर किया वो बड़ी ज़बरदस्त थी वो हिट हुई जब इनोवेशन से हमने अर्निंग की तो मैं ये कहता हूँ जो बंदा जिस चीज़ से फर्स्ट टाइम अर्न करता है करप्शन से अर्न करता है तो करप्शन का माइंड बना लेता है कि विदाउट करप्शन विदाउट जो है ये सारी दो नंबरी जो चीज़ें इससे वो कमाई नहीं कर सकता तो हम लोग लकीली जो है इनोवेशन से ड्राइव हुए हमने इनोवेशन से अर्निंग की तो उसके बाद आइडिया हुआ कि सारी की सारी इनोवेशन जो है ये बेसिकली पावर है ये ऐसी पावर है कि अगर आप इसमें आ जाते हैं तो आप आगे जो है मूव हो सकते हैं तो फिर उसके ऊपर बड़ा काम किया सबसे बड़ा काम जो है ये कि अभी हम हर आने वाले टाइम में मुख्तलिफ़ चीज़ों में इन्वेंट करते हैं रिसर्च करते हैं कि नई नई क्या चीज़ें आ सकती हैं इलेक्ट्रिक कंसेप्ट है बाइक में गाड़ियों में वो लेके आ रहे हैं वायरलेस चार्जिंग का सब्जेक्ट सब्जेक्ट नहीं आ रहा था उस पर बड़ी वर्किंग की है उसको लेके आ रहे हैं एल लाइट का कंसेप्ट था पावर सेविंग के पावर कंजम्पशन के मैटर में जितनी एनर्जी सेक्टर में प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया है वो सक्सेसफुल हुई आई टी में आप पाकिस्तान में देखें पाकिस्तान में रहते हुए आई टी में बगैर मटीरियल के बगैर किसी चीज़ के आप अर्न कर सकते हैं उस पर काम किया अराउंड टू हंड्रेड जो स्टार्टअप हैं उनको सक्सेसफुली रन करके तो पाकिस्तान में जॉब्स क्रिएट की ये असल में सारा मैटर किया जिसको अल्टीमेटली हम चाहते हैं कि यही प्लेटफार्म जो है दोबारा से बिल्ड करके तो बड़े बड़े जो स्केल में लेके जाया जाए ताकि पाकिस्तान को फ़ौर जो है वो आगे ले के ये ये जो एंट्रप्रनरशिप का कंसेप्ट हमने पहले वो किया है अब इसको सेंट्रलाइज़ करके बड़े स्केल में करें तो ये एक्चुअली वर्किंग जो हमने की है बेसिकली um, आपकी एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है yeah, yeah. और बेसिकली जोल्टा ग्रुप के आप ओनर है माशाल्लाह लाइक यू हैव ओनर ऑफ टू हंड्रेड स्टार्टअप एंड कंपनीज ही इज अ प्रैक्टिकल पर्सन ही हैज डन एवरीथिंग शोन एवरीथिंग शोन द रिजल्ट एंड नॉट जस्ट यू नो टीचर ट्रेनिंग जस्ट यू नो वि एंड मिस्टर शकील आप मुझे थोड़ा सा अपना ब्रीफ़ इंट्रोडक्शन कराएं कि आपकी बैकग्राउंड क्या थी और एग्जैक्टली exactly आप आ, आ, किस आ, मतलब आप आप अपनी एजुकेशन और अपनी कंपनीज़ के बारे में इंट्रोड्यूस कराएं सबसे पहले आप तो जैसा देख सकते हैं मैं बड़ा स्मार्ट बनता हूँ इंट्रोडक्शन देखें जी मैं मीरपुर आज़ाद कश्मीर से हूँ बेसिकली वहाँ से जो इनिशल तालीम है वहाँ हासिल की फिर इंजीनियरिंग का शौक़ था बचपन में जिस तरह वालदे करते हैं या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने तो मेरे सामने वो दो ऑप्शन थे तो मैंने कहा कि मैंने इंजीनियर बनना है फिर यू टी लाहौर से इंजीनियरिंग की फिर उसके बाद मीरपुर में एक बड़ा ट्रेंड है कि वो ये कहते हैं कि अभी बच्चा छोटा ही होता है कि अपने किसी कज़न से शादी करो यूके में और यूके जाओ यानी यूके जाना यहाँ तरक्की समझा जाता है क्योंकि आप पैसे कमाना पाउंड कमाना शुरू कर देते हो वापस भेजते हो तो घर खुशहाली आ जाती तो ये चीज़ थी जो शायद मेरे वालदेन भी चाहते थे और सारे रिश्तेदार कहते भी थे लेकिन मैंने एक डिसाइड किया शुरू से ही मैं थोड़ा रिबेलियस था कि हाँ मैं जाऊँगा ज़रूर क्योंकि आपको वो चाहिए मैं प्रूव करूँगा मैं जा सकता हूँ लेकिन ऐसे शादी करके नहीं जाऊँगा तो फिर एजुकेशन में अल्लाह ने करम किया मतलब ब्राइट था नंबर वगैरह ठीक आए और बाहर यूनिवर्सिटी में ग्लासगो यूनिवर्सिटी में मुझे दाखिला भी मिल नहीं। गया नहीं। तो वहाँ गया तालीम के ज़ोर पर लेकिन मुझे पता था कि शुरू में जो टाइम है वहाँ आप जाते हो वहाँ सेटल होना बहुत मुश्किल है शादी करते हो तो कुछ अर्से के बाद आपको ऑटोमेटिकली वो वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस था अठारह अठारह घंटे की मैंने शिफ्ट की उसमें गार्ड बना उसमें समझ के दिहाड़ी लगाई लेकिन उससे बहुत कुछ सीखा प्रैक्टिकल लाइफ में फिर डिग्री की डिग्री कंप्लीट होने से पहले मेरी जॉब हो गई थी एक बड़ी अच्छी कंपनी में उसमें दो तीन साल के अंदर अंदर तरक्की करते हुए डायरेक्टर लेवल पर पहुँचा उसके बाद एक लव मैरिज की जो कि पाकिस्तान से ही तो ये सारे रिबेलियन वो चीज़ें थी लेकिन जब मैं जॉब में उस डायरेक्टर लेवल पे पहुंचा मुझे सेटिसफेक्शन महसूस नहीं हो रही थी कि लग रहा था कि अभी भी कोई कमी है हालांकि दौलत भी थी सब कुछ मिल गया है घर बार है हर चीज़ है तो वहाँ मुझे पता चला कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ हर इंसान मेरा ये मानना है कि अल्लाह तला ने हर इंसान को पैदा किया कुछ बड़ा करने के लिए बहुत से लोग हम में से समझ ही नहीं पाते सारी ज़िंदगी तो वहाँ जाके ये समझ आई उसके बाद मुझे पता चला कि असल में जो मेरे अंदर का आंट्रप्रनोर है वो बाहर आना चाहता है तो वो पाँच साल की मेरी रिसर्च है वो सारे रिसर्च करने के बाद एक दिन मैंने फैसला किया और इतनी ज़बरदस्त किस्म की जॉब मैंने रिज़ाइन लिखा और जाके मालों को पकड़ा दिया कि आई एम गोइंग मैं आज के बाद सिर्फ अपना काम ही करूँगा फिर उसके बाद अपने काम शुरू करने शुरू में जो आपको क्या कहते हैं रगड़ा लगता है वो मुझे भी लगा लेकिन फिर अल्लाह ने करम किया और काफ़ी सारे बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग की तरफ आया उसमें एजेंसी बनाई वो मिलियन डॉलर तक पहुंची फिर पार्टनरशिप्स किए फिर एक कंसल्टेंसी फ़र्म है उसके साथ जॉइंट वेंचर किया अब माशाल्लाह से यूके का जो सबसे बड़ा कंसल्टेंसी नेटवर्क है उसमें मैं पार्टनर हूँ दस से ज़्यादा मेरी एजेंसी हैं सर्विसज़ में और डिजिटल मार्किटिंग में और दुनिया के जो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर और आंट्रप्रनर्स हैं उनके साथ उठने बैठने का मौका मिलता है तो ये मेरा बैकग्राउंड है लेकिन मुझे वहाँ पता चला कि असल में अंदर से पाकिस्तानी हूँ आप अमेरिका बैठे हो यूके बैठे हो लंदन बैठे हो जब भी पाकिस्तान की बात होती है आपको बड़ी तकलीफ़ होती है अंदर से तो मुझे पता था कि जिस तरह मेरे अंदर टैलेंट है हर नौजवान के अंदर टैलेंट है उनको गाइड करना ये बहुं, मुझे बहुत बाद में जाके याद आई कि यही मेरा पैशन और करना है और इसको मैंने कर नहीं करना है, चाहे कुछ भी हो जाए लकी ली अजीम साहब से मिला हो ये आप मेगा सक्सेस पाकिस्तान देख रहे हो सो अजीम साहब अल मूव टुवर्ड्स यू बैक आप माशाल्लाह इतने साल पाकिस्तान ओवरसीज एक्चुअली पाकिस्तानी हैं आपने 15 साल चाइना में गुजारा फिर जापान में गुजारा लाइक यू आर अ मल्टीनेशनल पर्सन टू बी ऑनेस्ट एंड दिस एग्जैक्टली कमिंग बैक टू पाकिस्तान और फिर आप एक आपकी हमने वीडियोस देखी हैं आप वो एक चारपाई के ऊपर बैठे हुए हैं एंड यू आर ईटिंग विद अ मजदूर एंड यू नो द रेडी वाला बिजनेस एंड दिस एंड दैट सो पीपल Uh, what एग्जैक्टली इज योर मिशन What एग्जैक्टली यूर ट्राइंग टू डू हेयर इसमें देखें जो आ, हमारे यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमारे पास सक्सेसफुल स्टोरीज़ नहीं हैं ख़ासकर इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी में और इस तरह से तो लोगों को मौका नहीं मिलता आ, जैसे हमारे पास क्रिकेटर की बड़ी स्टोरीज़ हैं लोगों को मौका मिलता है खेलने का उनके साथ बैठने का हमारे पास सारी करप्शन की स्टोरीज़ हैं हमारे पास सारी जो है ना वो बदमाशी की स्टोरीज़ हैं कौन चाहेगा उनके साथ अपने बच्चों को बैठाना और खिलाना जो भी है तो हम लोग फील करते थे कि देर मस्ट बी एट लीस्ट स्टोरीज़ अबाउट इनोवेशन जहाँ पर एटलीस्ट जो है हमारी यंग जो जनरेशन है उनको बैठने का मौका मिले अच्छा फिर ये बड़ा होता है कि हमारे पास जो कम्युनिटीज़ गैप है यानी कि अमीर जो है गरीब के साथ ही बैठ रहा वो समय रहा जी मैं बड़ा सुपीरियर हूँ और ये वो गरीब जो है वो बेचारा वैसे ही कंतरी सासे कमतरी में चला जाता है कि यार काश मेरे पास भी पैसा होता और मैं भी इस तरह से वो कर रहा होता तो बाहर जापान में हमने देखा कि ये कोई मैटर नहीं है और लोग बड़े बड़े रिचिस थे और वो साइकिल चला रहे होते थे आम लोगों को मिल रहे होते थे और डेफ़िनेटली यहाँ चले कोई थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू हो सकता है वहाँ पर नहीं है लेकिन जो गैप क्रिएट हो चुका है यहाँ पर उसको कम करने के लिए उसको फिल करने के लिए हम ये चाहते हैं कि जो स्टोरीज़ हैं यहाँ पे चाहे हम जैसे भी हैं या जो बाकी लोग हैं उनको उन 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 लोगों के साथ मिलने का बैठने का मौका मिले और वो शेयर करें वो वो, वो आपके साथ आ, हमने बहुत सारे लोगों को जो सक्सेसफुली ड्राइव किया है ये बिल्कुल आम कम्युनिटी के लोग हैं आम लोग हैं लेकिन जब हम उनके साथ बैठते हैं शेयर करते हैं कि आ, हमें अल्लाह ने कैसे सक्सेस दी तो वो फ़ील करते हैं और हम भी उनको बताते हैं यार आप भी कर सकते हो ये कोई बड़ी बात नहीं है जैसे हम लोग बहुत पहले फ़ील करते थे कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनको मिलना चाहिए बैठना चाहिए तो वो आम लोग होते हैं उनके साथ आप बैठें तो उनकी स्टोरीज़ अहम होती हैं और जब आपको मौका मिलता है उनके साथ बैठ के स्टोरीज़ को डिस्कस करने का तो आपके अंदर खासकर जो यंग लोग हैं उनके अंदर भी शौक़ पैदा होता है कि अच्छा मैं भी कर सकता हूँ अभी हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो बड़ा ज़बरदस्त सक्सेसफुल हुए हैं वो उनका कहना ये है वो कहते हैं सर आपने जो हमें सिर्फ ये बात कही थी ना यार डोंट वरी आप भी कर सकते हो उसे हम निकल गए हैं कि किसी ने ज़िंदगी में हमें एक दफ़ा ये तो कहा यार यू कैन डू नो प्रॉब्लम अच्छा तो आपके पास स्टोरीज ही नहीं है तो फिर बैठेगी कैसे और जब आपके पास स्टोरीज हैं या हम लोग सारे बैठ के जब कहते हैं यार नो no प्रॉब्लम आप भी कर सकते हो और हमें स्पार्क नज़र आता है हकीकत बात यह है कि ज़रूरी नहीं है कि स्पार्क अमीरों में और लम्बों और बड़े चोड़ों में लोगों में अल्लाह ताली ने जब वरीब निज़ाम बनाया ऐसा ऐसा टैलेंट आम और गरीब लोगों में नज़र आता है जो हमें पता चल जाता है अब हम चूँकि इस सेंस में काम कर रहे हैं तो हमें पता चल जाता है डॉक्टर को पता चल जाता है मरीज़ को देख के कि क्या मसला है क्या नहीं है अब हमें आइडिया हो जाता है लोगों को पहले पहले ही फेस रिकग्निशन से पता चल जाता है कि बंदे के अंदर स्पार्क है लेकिन इस, इस इसको घर बार से किसी ने बताया ही नहीं है कि यू हैव विजन स्पार्क एवरी थिंग यू कैन मूव इवन तो वो फिर होता है हम चाहते हैं आम लोगों के साथ भी मिल बैठें और उनको भी हौसला दें उनके साथ भी मिलें जो ये रेडी का कन्सेप्ट है इससे भी लोगों को रेडी के अंदर जो अभी बात हो रही है तो सबसे बड़ा कन्सेप्ट यह है कि हमारा ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है आम लोगों की गरीबों की ठीक है हमने एक परसेंटेज रखी हुई है कि जो आम लोगों को गरीब लोगों को सपोर्ट करे अब हम चाहते हैं डे बाई डे के बजाय उनको मुसलसल सपोर्ट करके आ, उनको भी बेसिकली जो है लाया जाए उस तरफ जो है वो भी छोटे छोटे काम करें। स्पोर्ट छोड़े -छोड़े खड़े करें उनको सपोर्ट इस तरह से दें कि वो छोटे छोटे बिजनेस खड़े करें उनको बाय कर दें छोटी छोटी चीज़ें जिससे वो उनका बिजनेस चले ताकि उनको भी पता चले कि एट एनी कास्ट उन्होंने भी माशरे के अंदर जो है पार्टिसिपेट करना है उन्होंने वैल्यू एड करनी है और ताकि हम सारे लोग जो है अफेंसिव हो के अमीर गरीब जो है अर्निंग करें और पाकिस्तान को बेसिकली इस लूप से निकालें कि हर टाइम जो है हम वो बजाय उसके मांगने के करने के हम लोग अफेंसिव हो के दुनिया को बिल्ड कर रहे हो दुनिया कोकोनमी ले लेके आए दुनिया को दुनिया को हम जो अपनी वैल्यू एडिशन है वो दें कि भाई हम इससे कैश करेंगे लोग हमें देखते हैं हम मुल्क हैं हम नेशन हैं हमारे पास यंग लोग हम आबादी इतनी बड़ी है लैंड है हमारे पास इतनी कहते हैं फिर क्यों मांगते हो लोग हैरान होते हैं कहते फिर क्यों मांगते हो आपके पास ज़मीन जगह लोग विजन और इतना टैलेंट है फिर मांगते हो हैरान होते है। आप इवन किसी मुल्क के पास जाएँ वो छोटा वो कहते हैं यार मांगते हो क्या मसला है लेकिन उनको पता नहीं है कि हम बेसिकली डिफेंस अप्रोच में डिफेंस अप्रोच मीन इनके जो है जब भी रोटी कपड़ा मकान दुकान किचन की आवाज़ लगेगी आप डिफेंसिव हो जाएंगे आप पे एमरजेंसी नाफज हो जाएगी आप एमरजेंसी में रहते हुए लाइफ गुजार देंगे हर रोज़ एमरजेंसी पे एमरजेंसी होगी और आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा एक्सप्लोर करने का अपने आप को कि एग्जैक्टली exactly आप कौन सी वैल्यू ऐड कर सकते हैं तो वो फिर हम चाहते हैं लोगों के साथ डिफरेंट कम्युनिटी के साथ मिलके या ये इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को ले कर आके एक्सप्लोर करें कि व्हाट दे आर व्हाट दे कैन डू और हम उनके साथ क्या पैच कर सकते हैं ताकि हम अफेंसिव अप्रोच में आए कि आई विल अर्न मनी आई विल गिव मनी टू पीपल मैं लोगों को डिलीवर करूँगा तो ये फिर ओवरऑल इस तरह से वो सारा एक इकोसिस्टम एक बेसिकली बिल्ड हो जाता है जिसमें आप एक पूरा जैसे नर्सरी में आप देखें ये जो पौधों की होती है तो वो बीज लगाते हैं सीड लगा रहे होते हैं छोटे छोटे पौधे निकल रहे होते हैं फिर उनको गमलों में कन्वर्ट किया जाता है छोटे छोटे गमले होते हैं फिर गमलों को आप जो है खेतों में बाग लगा देते हैं वो फल दे रहे होते हैं तो सेम इसी तरह प्रोसेस है इंसान का जब उसको आप एक्सप्लोर कर रहे होते हैं वो छोटी सी नर्सरी में होते हैं फिर वहाँ से तो हम चाहते ये हैं कि इनको एक्सप्लोर करके एक बड़े पोजीशन पे लेके आए जहाँ पे ये मांग ना रहे हो ये बल्कि डिलीवर कर रहे हो ये ढूंढ रहे हैं उन लोगों को और पाकिस्तान में वो ढूंढने से लोग ना मिले जो मांगते हैं जिनको चाहिए बल्कि हर बंदा देने वाले में हो जाए तो इट्स पॉसिबल हमने किया है हम आम लोग हैं मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं किसी बहुत सारे सेठ और मीर बंदे का, का बेटा होता तो शायद कोई बड़ी बात नहीं थी कि आप कुछ बिजनेस कर लेते और चीज़ें ये कोई बिग डील नहीं है लेकिन हम आम लोग हैं एक मिडिल क्लास से फैमिली से तलग रखते हुए इतनी बड़ी पोजीशन पे जाना और फिर हम चाहते हैं कि हम आम लोगों को hmm. उस पोजीशन पे लेके आएंगे क्योंकि वी नो द फन वी हैव प्रैक्टिस एग्जैक्टली जो इसके पीछे है hmm. वो करप्शन का नहीं है वो इनोवेशन का है अनफॉर्चुनेटली हमारी सारी इनोवेशन जो है वो करप्शन में हाउ टू डू दिस वन करप्शन में ढूंढ रहे हर रोज़ हर रोज़ इनोवेशन लगा रहे हैं ऐसे कैसे करें ऐसे कैसे, कैसे करें ये कैसे हो सकता है हम कहते हैं ये सारी इनोवेशन जो करप्शन में लगा रहे हो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी में ले आओ कैसे कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है मेड इन पाकिस्तान को बिल्ड कर दें अब वो उसके लिए फिर ये सारा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो एग्जैक्टली exactly हमारा मिशन टारगेट है जो हम चाहते क्या हैं मेड इन पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं वाया पाकिस्तान के लोगों को वाया पाकिस्तान के यंग स्टार जो हैं मेगा स्टार जो हैं इनको खड़ा करके इन सारी चीज़ों में बिल्ड करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान मेड इन पाकिस्तान दुनिया को पता चले कि एग्जैक्टली exactly क्या है अब सारी क्वालिटी सारी चीज़ें हम नहीं कर सकते फ़ला नहीं कर सकते तो पैदा क्यों हुए हैं भाई कर क्या रहे हैं इधर सिर्फ रोटी के लिए कमाने और खाने के लिए पैदा ये तो ये तो एक्जैक्टली अल्लाह का भी मकसद नहीं था कि आप अब वो तो बहुत सारी मखलूकत हैं जो ऐसे काम कर रही हैं तो हम चाहते हैं कि ट्रांसफ़ार्म करें इस इंसान को जो अनफॉर्चुनेटली आज इस फार्म में फिर रहा है जो इस फार्म में फिर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता उसको ट्रांसफॉर्म कर दें इकोनॉमी में उसको ट्रांसफॉर्म कर दें एग्जैक्टली उस आ, उस विजन में जहाँ पे वो समझे कि मैं कुछ चीज़ हूँ तो ये असल विजन है और इस मकसद में कर रहे हैं काम ब्यूटीफुल ब्यूटफुल थैंक यू सो मच सो मिस्टर शकीलो ओवरसीज पाकिस्तानी एंड आई रियलीट यू यू नो कमिंग बैक टू पाकिस्तान बहुत मुश्किल है आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्टू नो इतने साल जब आप बाहर रहते हो यू आर यूज टू ऑफ दिस्टमली वट वॉट मोटिटेड ये बातें बनी हुई हैं जी कि यहाँ मुश्किल होता है इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त मुझे कमरा दिया हुआ है टू बी ऑनेस्ट देखें ये जिसने कोई बड़ा काम करना होता है ना अगर उसने करना बड़ा काम लग्जरी में mm -hmm. फिर नहीं वो होना तो जब आप कुछ चीज़ सोचते हो तो बल्कि इनको मैं बता रहा था कि मैं यहाँ आया हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मोबलॉज होना चाहता हूँ बहुत ज़्यादा काम करना चाहता हूँ मेरा जिसम मुझे इजाज़त नहीं दे रहा यानी क्योंकि वो यूज़ टू है ना उस आबो हवा का यहाँ वो कभी पेट में गड़बड़ हो जाती है कभी को थोड़ा टेम्परेचर हो जाता है तो पैशन जो चीज़ ड्राइव करती है दैट्स द विजन के मैं जब देखता हूँ दो मिलियन बंदा ट्रेन हो चुका है और हमने एक करोड़ जो नौकरी है वो पैदा कर ली है और लोग खुशहाल हो गए पाकिस्तान में ओवरऑल पाकिस्तान का नाम हो गया दुनिया में देन यू कैन इमेजिन दैट जॉय एंड हैप्पीनेस एंड दैट्स द थिंग जो यहाँ का नौजवान है ख़ास तौर पर उसमें इतना टैलेंट है गाइडेंस नहीं है वो गाइडेंस जब मिल जाए और वो उस गाइडेंस को इस्तेमाल करते हुए जब सुपरस्टार बनेगा ना मेगा सीईओ बनेगा और उनके चेहरे पे खुशी और फिर उनके नीचे बेशुमार बिजनेसेस ये है वो चीज़ जो आपको मोबलाइज़ करती है आपको पैशन देती है सो आई डोंट केयर कि मुझे किसी जगह पे बल्कि मैं फ्रैंक से बंधे हैं हम सारे हम सब ही और ये चीज़ मुझे पसंद आई है और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इस थीम वर्क मैं अकेला ये नहीं कर सकता था मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऑनलाइन टीच कर सकता था कि जाओ ये करो कोशिश करो बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं लेकिन इस सेटअप की खसूसियत ये है कि अजीम साहब आप हमारे साथ बैठे हैं कि ये प्रैक्टिकली मैं वो बंदा हूँ जो मैं ओपनली कहता हूँ कि मैं थर्थरली डाल सकता हूँ मेरे पास विजन है मुझे पता है कि कहाँ जाना है ठीक है तो मैं लोगों को मोबालाइज़ कर सकता हूँ उस एक विजन पर ला सकता हूँ लेकिन एक्चुअल जो ग्राउंड पे डिलीवर करना वो बिजनेस स्टार्ट करना उनको मेगा सक्सेसफुल बनाना वो अज़ीम साहब करते हैं फिर हमारे रमीज़ हैं जो हमारे दरमियान जो है ना एक किस्म का ब्रिज समझ लें हम दोनों को मैनेज भी करते हैं तो ये दिस इट्स अ टीम वर्क तो अल्टीमेटली मैं यहाँ आया क्यों और ये क्यों ये सारी चीज़ें क्यों देख रहा हूँ देखें जी अल्टीमेटली मुझे पता है कि घर वगैरह हम देख रहे हैं मैंने मूव हो जाना पक्का इधर लेकिन एक वो चीज़ के पाकिस्तान सुपर पावर पाकिस्तान टॉप एक्सपोर्टर पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में नंबर वन ये वो चीज़ें हैं जो इस किस्म का विज़न है जैसे आप कायदे अज़म से पूछें कि क्यों इतनी कुर्बानियाँ दी वो ख़ुद तो एक साल भी नहीं रहे उसके नहीं। बाद जिंदा जब पाकिस्तान बना लेकिन पीछे एक विज़न था ना हमें पाकिस्तान तो लेके कर दिया यही हम अब मुझे चीज़ ड्राइव करती है और हमारी पूरी टीम को ड्राइव करती है कि पाकिस्तान को वो जो दुनिया की सुपर पावर है टॉप पे लेके जाना So that's the drive. By the way, आपने वो जो वर्ड बोला ना थरथली, वो आपने ऑलरेडी डाली हुई है डाली न, आपने अभी डाली हुई है सो यू लिटली यू पुट द होल यूथर सो दैट्स हाउ आई केम it's पीपल फन एंड इट्स you प्लेस know, टू become something big, you know this is the platform. This is exactly the place where you want to be. So uh, mega success के ऊपर थोड़ा सा guide करें कि क्या uh, mega uh, mega CEO के बारे में mega success के अंडर मेगा सी ई है और इसके बारे में मुझे थोड़ा लैबरेट करें कि टेंथ को आपकी एक्चुअल ओपन हाउस है आपकी लॉन्च है टेंथ ऑफ सेप्टेम्बर इट्स कमिंग फोर पी एम टू सिक्स पी एम सो वट एग्जैक्टली यूथ शुड बी कमिंग हु एग्जैक्टली शुड बी कमिंग ज्वाइनिंग आसनिंग दिस पीपल कमिंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म मुझे थोड़ा सा उसके बारे में मेगा सी ई ओ के बारे में थोड़ा सा लैबरेट करें उसमें ये जो लोग हमें ज्वाइन कर चुके होते हैं मेगा प्लेटफॉर्म के ऊपर उसमें जो उनके डिफरेंट क्लासेस चल रही होती हैं इनिशियली डिफरेंट जो उनके सब्जेक्ट और कोर्सेज़ हैं उसके बाद एक स्टेप आता है जो रियल में जब एक सी ओ को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं जो मैंने पहले कहा था कि हमारे यहाँ अगर हम आज लाइट से कोई सैमसंग गूगल वगैरह को यहाँ पर खड़ा करते हैं तो इतना बड़ा सी ओ कहाँ से आएगा वो जब छोटी छोटी कंपनी कॉरपोरेट्स छोटे छोटे लेवल पर खड़ी होंगी आप देखें एक जो सी ओ है किसी भी बड़ी कंपनी का पहले तो वो हंड्रेड्स कंपनी से सीईओ बन के आया होता है और वो इस तरह लेवल क्रॉस कर रहा था फिर उससे बड़ी बात यह है कि अगर हम किसी भी बड़ी कंपनी को अगर देखें अभी लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे कि होंडा का जो इंटरनेशनल ऑपरेशन का सी है उसके इतने हाई पैरामीटर हैं कि फार्मूला वन की रेस जीता हो इट्स मीन दैट के ज़िंदगी मौत की काशमगा से हालांकि उसने एज ए सी थोड़ी रोज़ाना को मौत के कुएं में गाड़ी चलानी नहीं लेकिन क्या है कि उसका डर खौफ उतरा हो ठीक है कि यार क्या होगा नो प्रॉब्लम यार लेट्स गो नंबर दो जो है कि वो आ, उसके सिक्स पेटेंट हों दुनिया के अंदर अब देखें ये सी है जो वैल्यू ऐड करेगा यानी छः पेटेंट का होना इट्स नाट नॉर्मल थिंग दुनिया के एक एक पेटेंट पर पे जिंदगी गुजर जाती है यानी छः ऐसे काम उसने ऑलरेडी किए हों जो दुनिया ने पहले नहीं किए और वो रजिस्टर्ड हो के चल रहे हो इसका मतलब वो बंदा भी वो तीसरा ये है कि वो रिसर्च और डिवेलपमेंट के डिपार्टमेंट से हो यानी उसका माइंडसेट जो है वो इन्वेंशन की तरह का यानी कि इन्वेंट करे वो चीज़ों को रिसर्च माइंड हो हर वक्त प्रोसेस का करने वाला तो फिर कहीं जाके वो सी होता है जो इंटरनेशनल ऑपरेशन ऑपरेशन को चला रहा होता है तो यहाँ पे यह है कि ये हम चाहते हैं कि वो जो सी का रोल है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का रोल है वो यहाँ पर रहते हुए हमारे साथ प्रैक्टिस करे उसको हम डेली टास्क दें एज ए सी फिर वो सीईओ का रोल कर रहा हो तो उस सिलसिले में जो काफ़ी जो चीज़ें जो टेन को लॉन्च हो रही हैं फिर उसके बाद टेन को एक क्लास जो नया बैज है वो भी हो रहा है तो हम चाहेंगे कि उस दिन जो है आ, तकरीबन जो है काफ़ी लोग आएँ हमें ज्वाइन करें और देखें सीटिंग करें कि एग्जैक्टली exactly ये कोर्स क्या है किस तरह से बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं या इसके अलावा जो है यूनिवर्सिटी लॉन्च हो रही है उसके आ, क्या क्या मैटर्स हैं उसको स्टडी कर सकते हैं सी के हवाले से यह है कि वो सारे जो लोग पहले दूसरे बैच वगैरह के लोग हैं वो ऑलरेडी अपनी अपनी पोजिशन ले चुके हैं पोजिशन से मुराद मुराद यह है कि अपनी अपनी कंपनीज की फार्मेशन में जा रहे हैं कि जो सोलर का सेटअप है वो कौन रन करेगा जो इलेक्ट्रिक ये पंप है बेसिकली लो पावर पंप जो है हम जो अपने किसानों को देंगे आ, आ, वो वो कौन रन करेगा वो एज ए सी कौन कर रहा है इसी तरह एल डी लाइट्स को कौन रन कर रहा है तो ये डिफरेंट जो सी हैं इनको बेसिकली जो है आगे आप रियल कमर्शलाइजेशन जो है उसमें लेके जा रहे हैं तो टेंथ को मौका होगा बहुत सारे लोगों को कि वो भी आए ज्वाइन करें देखें क्या सारा प्रोसेस हो रहा है किस तरह से हो रहा है ये सारा एग्जैक्टली इकोसिस्टम सिस्टम कैसे है जो एक फैक्ट्री की तरह एक प्रोडक्शन की तरह जैसे एक प्रोडक्शन लाइन होती है तो ये एक प्रोडक्शन लाइन है जो स्टेप्स में जा बल्कि कह लें कि ये वो फैक्ट्री है जहाँ सी ओ बन लें ठीक है और उसके लिए फिर ये सारी चीज़ें हो रही हैं एग्जैक्टली सो बेसिकली जिस तरह अभी अजीम साहब ने बोला आप भी uh, प्लीज़ शकील uh, मुझे बताएं कि मेगा सक्सेस के अंडर कौन कौन से प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे हैं एग्जैक्टली exactly, uh, थोड़ा इसके ऊपर एलाबरेट कर कन्फ्यूज़ भी होते हैं जो हमारे सारे एडमिन की टीम है उनको बेशुमार क्वेश्चन आते हैं और लोगों को समझ नहीं आती तो मैं यहाँ क्लियरली सबको बता दूँ कि जो इस वक्त मेगा सक्सेस के अंडर दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो पहला प्रोग्राम है मेगा सक्सेस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ये दस तारीख़ को हम लॉन्च करने लगे हैं और उसमें सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ और ऑफलाइन कोर्सेज़ की ट्रेनिंग आप घर बैठे सारे ले सकते हैं फिर उसमें हम एक लाइव सेटअप रखेंगे जिसमें यूट्यूब पर और मेरे पेज पर लोगों को लाइव ट्रेनिंग भी मिलेगी लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट है दूसरी तरफ हमारा जो मेन प्रीमियम प्रोग्राम है वो है मेगा सी और मेगा सी प्रोग्राम बहुत स्पेशल है हमारे लिए वो क्यों जैसे कि मैंने बात की हमने एक करोड़ नौकरियाँ पैदा करनी है हमने बीस लाख जो आंट्रप्रनोर्स हैं उनको ट्रेन करना है तो ये वो लोग होंगे जिनके अंदर पैशन है जिनके अंदर ड्राइव है जो कुछ बड़ा करना चाहते हैं ये हमारे पास आते हैं इनका हम हाथ पकड़ कर पहले तो इनकी अच्छी तरह से ट्रेनिंग करते हैं कि वो जो एलॉन मस्क लेवल की ट्रेनिंग है कि उस किस्म के ये लोग बन सकें और फिर इनके बिजनेस शुरू करवाते हैं और ये बिजनेस आम बिजनसेज नहीं ये ऐसे बिजनेस हैं जिनके अंडर सौ या उससे भी ज़्यादा स्टार्टअप्स होंगे तो मेगा सीईओ जो प्रोग्राम है इस वक्त बहरिया औरचर्ड में उसके लिए हम 10 तारीख को हमारा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है जो लोग देख रहे हो लेकिन लोग हमें ऐसे चाहिए जिनके अंदर ड्राइव है जिनके अंदर पैशन है जो ना सिर्फ ख़ुद कामयाब होना चाहते हैं बल्कि बाकियों को भी हेल्प आउट करना चाहते हैं क्योंकि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग आए थे स्टूडेंट्स उनको हमने वो उनके रोल्स अलॉट कर दिए हैं लेकिन उनका टारगेट हमने सेट किया है कि उन्होंने आगे एक लाख बंदे को यही ट्रेनिंग सिखानी है तो टू बी क्लियर एक ऑनलाइन प्रोग्राम है मेगा सक्सेस यूनिवर्सिटी उसमें कोई भी जा सकता है बच्चे बड़े वो आप ट्रेनिंग लोगे खुद अपने बिजनेसिस या अपने कारोबार स्टार्ट करोगे दूसरा है मेगा सी ई ओ जिसमें हमारी जिम्मेदारी है कि आपके स्टार्ट करवाने हैं और उनको बड़े लेवल पर कामयाब भी करवाना है और ये हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे जो पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह इन करोड़ नौकरियां भी पैदा करेंगे और टॉप के बिजनेसेस भी स्टार्ट करेंगे अभी आ, आ, जो यूनिवर्सिटी के अंडर कौन कौन से डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं अभी इसके ऊपर थोड़ा सा और आ, डिटेल देंगे अच्छा जो हमारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स या कोर्सेज पड़े हुए हैं यूट्यूब पर वो उसमें डिजिटल मार्केटिंग है उसमें फ्री लांसिंग है उसमें मोटिवेशन स्पीकिंग है लेकिन दुनिया में जो इस वक्त टॉप के प्रोग्राम्स हैं जिसमें डिजिटल मार्केटिंग है ये बाकी जो मैंने आपको बताया ये सारे टॉप टेन दुनिया के और टॉप टेन दुनिया के जो एक्सपर्ट्स टीच करते हैं वो प्रोग्राम हमने मेगा सक्सेस ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में डाले हैं उसके अलावा यहाँ पे जो सारी ट्रेनिंग होती है और यहाँ से जो बिजनेस स्टार्ट हो रहे हैं उनका भी सारा नॉलेज हमने एक जगह इकट्ठा किया और ये इसलिए किया है कि होता क्या है कि कुछ लोग पाकिस्तान में फ्री सिखा रहे हैं कुछ लोग ई कॉमर्स सिखा रहे हैं कुछ लोग अफेलियर मार्केटिंग सिखा रहे हैं लेकिन हर चीज़ हर एक को सूट नहीं करती किसी को फ्री लांसिंग शूट करती है किसी को ई कॉमर्स सूट करती है किसी को लोकल बिजनेस सूट करता है किसी को अफिलियट मार्केटिंग सूट करती है तो हमने क्या किया मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये जो हमारा करंट यूनिवर्सिटी सिस्टम है उसमें अगर ये कोर्सेज डाल दें तो डिग्री लेने से पहले बच्चे कमाना शुरू हो जाएंगे तो वो चीज़ जो अभी गवर्नमेंट लेवल पे या पाकिस्तान लेवल पे बल्कि दुनिया में कहीं नहीं हो रही हमने खुद शुरू कर दिया कि एक यूनिवर्सिटी बनाई है तमाम के तमाम कोर्सेज उसमें पूरी गाइडेंस होगी कि आपको अपनी सिचुएशन के मुताबिक चाहे स्टूडेंट हो चाहे प्रोफेशनल हो चाहे बिजनेस मैन हो जिस स्टेज में भी हो दुनिया में आपको कौन सी चीज सूट करेगी उसके लिहाज से एक जगह सारी चीजें देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि मेरे पैशन के लिहाज से मेरी स्किल्स के लिहाज से कौन सी चीज सूट करती है वह आपने पिक की उसमें ड्रिल डाउन करती हो वो सारे के सारा कोर्स वहाँ पर मौजूद होगा तो ये तो है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी इसके अलावा मैंने बताया कि मेगा सी का पार्ट भी उधर होगा लेकिन असल में मेगा सी जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पर है दस तारीख को तीन बजे इस दस तारीख को तीन बजे हमारा प्रोग्राम होगा और आप में से जो भी देख रहे हो जो वो जो हमारा विज़न है पाकिस्तान का आपके बारे में और कौम के बारे में अगर आपका विजन भी ऐसा ही है और आप समझते हो कि आपके अंदर अल्लाह ने कोई ऐसी चीज़ दी है जो आप बड़ा काम कर सकते हो तो प्लीज़ डू जॉइन अस ऑन टेंथ थ्री पी एम सो वी वेलकम एवरी There is no limitation of age group. There is no limitation of any gender. Uh, female are coming. Uh, uh, if you're male, female, a any age group, anybody, if you have one thing in common, and that's the common denominator, that if you want to do something in life, if you really want, you, you're trying to, and you want to fly. So, this is the platform which will actually make you fly. So, this is exactly the place um, which will teach you number one, you have actual owners sitting right here who can guide you and you know hold your hand and say you know this is a step you have to take number one you have this these mentors here who will guide you step by step number two there will be actual role playing sessions where you will be guided to go out in there go to this person these people have contacts these people have resources these people know exactly they have gone through all this so you can actually learn from them and number three it will be it will be um, a platform च विल क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी सो दे एग्जैक्टली नो दे आर द गूगल्स ऑफ पाकिस्तान दे एग्जैक्टली नो वे द अपॉर्चुनिटी लाइज आपने कोई भी बिजनेस करना आप इनसे डिस्कस करो आप इधर आओ इनके साथ ओपन uh, होकर अपने पूरे आइडिया को लॉन्च करने के लिए आप इनसे डिस्कस करो कि क्या रिसोर्स मे बी देर इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस जो ऑलरेडी uh, ये काम कर रहे हैं इनको इन्होंने पूरे ग्रुप्स बनाए हुए हैं कैसे um, उनको मर्ज कर रहे हैं और उनको आपस में एक टीम बना के उनको एग्जीक्यूशन में डाल रहे हैं सो so, it's not important what your idea is it's more important how the execution the execution place is this right here so um, it's very convenient it's right in the you know Beria town um, you can search Medina tower and you can uh, you know straight come to this place uh, there will be there will be a lot of females coming there, will be, there, there are a lot of calls people are just you know um, going and calling and searching and you know texting us like crazy so you can come and actually see this place this is a fun place number one to be in number two it's a learning hub uh, number three it's going to be really um, an execution and actually um, launching an idea launching and really trying give one day to your your career and you will really be transformed it's a personal transformation hub it's a platform where um, this is this is exactly 10th of september is your date where you have to come and see what exactly you have to give one day to yourself, and this should be the date. And this is the time he's already telling you from three to six, you can come and you can see for yourself that what exactly these people have done really great things. And I think so, you should also be a part of that. Thank you so much, and I welcome you all on the 10th of September. Thank you so much.